स्टूडेंट्स, ओ लेवल की प्रिपरेशन करने के लिए यदि आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो हम लोगों के पास ओ लेवल के सारे नोट्स अवेलेबल हैं, सभी पेपर्स के, हिंदी एंड इंग्लिश में, जिसमें कि हम लोग बच्चों को बुक्स प्रोवाइड करते हैं पीडीएफ के फॉर्मेट्स में, उनको लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस देते हैं, ब्रॉडकास्ट ग्रुप्स के मेंबर्स बनाते हैं ताकि मेंबर्स होने के साथ साथ अपडेट्स मिले। और अधिक जानकारी के लिए मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। आज का टॉपिक अब हम लोग शुरू करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम इसी में आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक हमारा इसी में आगे एक्सटेंड होता है और वो है नेस्टेड फॉर। नेस्टेड वर्ड आ जाए तो इसका मतलब है एक के अंदर एक, जैसे फॉर के अंदर एक और फॉर। आप लोगों ने नेस्टेड इफ पढ़ा था, याद है, इसके पहले पढ़ाया गया था इफ के अंदर एक और इफ, एल्स इफ, इस तरह करके। तो फॉर के अंदर एक और फॉर, तो ये बन जाता है नेस्टेड फॉर। और अभी इस लास्ट जो जुलाई का पेपर हुआ था उसमें आपका नेस्टेड फॉर से भी क्वेश्चंस थे, दो क्वेश्चंस मैंने देखे थे और इसमें क्वेश्चंस आपके स्टार लेडर फॉर्म में उस तरह के आएंगे। नेस्टेड फॉर बहुत आसान है, एक के अंदर एक और फॉर, आपको एक ही बार में समझ आ जाएगा। देखिए ध्यान से, ये है नेस्टेड फॉर का एक सिंपल सा एग्जाम्पल। और इस एग्जाम्पल में आप लोग अगर गौर कर रहे होंगे तो आपको फॉर के अंदर एक और फॉर दिखाई देगा। इसको लिखने का तरीका यही होता है, यहाँ से ये एक बड़ा वाला फॉर लूप है, इसके ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक है, उसके बाद थोड़ा टैब देके आगे लिखिए। जब आप लोग सी में भी टाइप किया करिए तो ऐसे ही किया करिए। आप लोग अपना एक फॉर के लिए और थोड़ा सा आगे गए और उसके बाद इसका यहाँ से यहाँ तक का है, तो इससे हमें दोनों की बॉडी डिस्टिंग्विश करने में आसानी हो रही है ना, कि ये वाला फॉर यहाँ से जब शुरू होगा यहाँ तक चलेगा, अंदर वाला यहाँ से यहाँ रोटेट करेगा, तो ये अंदर रोटेट करता रहेगा, ये बाहर रोटेट करता रहेगा। आप लोग ये मान के चलिए कि बाहर वाला जो सर्कल है हरा वाला, ये एक बार रोटेट होगा, अंदर वाला पूरी बार रोटेट होगा। बिल्कुल उस तरह समझ लीजिए जैसे आपके घड़ी या क्लॉक रहती है, जो आर वाली सुई है वो एक बार हल्का सा आगे बढ़ती है, मिनट्स वाली पूरा चक्कर लगा चुकी होती है। तो इस लूप को कैसे समझा जाए, सिंपल है, हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले के की वैल्यू 1, के की वैल्यू हम लोगों ने ऊपर 1 मान ली। अब के की वैल्यू 1 के लिए काम शुरू हो रहा है। अब नीचे आते हैं, L की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी, L की वैल्यू 1 से शुरू होगी। L की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, K तक। तो अगर हम लोग बात करें, L की वैल्यू 1 से शुरू होगी और 1 तक ही जाएगी, क्योंकि K 1 है ना, क्लियर। तो कुल मिला के एक ही बार तो घूमा ये 1 से 1। स्क्रीन पर प्रिंट करो स्टार, तो आपका एक बार प्रिंट हुआ, ये रहा स्टार, K की वैल्यू 1 के लिए एक स्टार प्रिंट हो गया। अब लाइन चेंज हो गई, ये वाला प्रोग्राम, ये लूप भी पूरा हो चुका है ना, क्योंकि 1 से 1 तक जाना था, ये काम खत्म। अब लूप नीचे आता है, के की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, 2, के की वैल्यू 2 हो गई। अब एल की वैल्यू फिर से शुरू होगी, क्योंकि उसको फ्रेश लूप मिल गया, भाई सुई का कांटा एक और फ्रेश लूप पे आ गया। अब के की एल की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक जाएगी, 2 तक, क्योंकि के की नई वैल्यू 2 है। इस बार कितनी बार स्टार प्रिंट होंगे, 2 स्टार प्रिंट होंगे। फिर से नीचे आते हैं, K की अगली वैल्यू कितनी है, 3, और L की वैल्यू इस बार फिर से फ्रेश हो गई 1 से लेकर 3 तक, और कितने स्टार प्रिंट होंगे, 3। आ रहा है समझ में। और इस पूरे का आउटपुट जो निकलने वाला है वो ये है, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, और 5 तक है तो 5 स्टार। आ गया समझ में, बस कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आता है आप लोगों का हर बार। पांचवां स्टार भी आएगा, बिकॉज के की वैल्यू 5 है, 5 तक लूप चलेगा। तो यहाँ पे एल की वैल्यू 1 से 5 तक जाएगी ना, तो ये 5 टाइम्स घूमेगा, यहाँ से 5 टाइम्स घूमने में 5 बार स्टार आ जाएगा। आप लोग दिमाग लगाएं और इसका रिवर्स बना के दिखाएं, 5 स्टार, थोड़ा शॉर्टकट कर देता हूँ, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार। और इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट भी करें अपना पूरा प्रोग्राम।